मौत के स्वाद का चटखारे लेता मनुष्य। अपनी मृत्यु और अपनों की मृत्यु डरावनी लगती है, बाकी तो मौत को आदमी इंजॉय ही करता है। मौत से प्यार नहीं, मौत तो मनुष्यों का स्वाद है। बकरे का, गाय का, भैंस का, ऊंट का, सुअर का, हिरण का, तीतर का, मुर्गे का, हलाल का, बिना हलाल का, ताज़ा बकरे का, भुना हुआ, छोटी मछली, बड़ी मछली, हल्की आंच पर सिका हुआ, ना जाने कितने, बल्कि अनगिनत स्वाद हैं मौत के, क्योंकि मौत किसी और की और स्वाद हमारा। स्वाद से कारोबार बन गई मौत। मुर्गी पालन, मछली पालन, बकरी पालन, पोल्ट्री फार्म्स, नाम पालन पर मकसद हत्या। स्लॉटर हाउस तक खोल दी, वो भी ऑफिशियल। गली गली में खुले नॉन वेज रेस्टोरेंट्स। मौत का कारोबार नहीं तो और क्या है? मौत से प्यार और उसका कारोबार इसलिए क्योंकि मौत हमारी नहीं है, जो हमारी तरह बोल नहीं सकते, अभिव्यक्त नहीं कर सकते, अपनी सुरक्षा स्वयं करने में समर्थ नहीं। उनकी असहायता को हमने अपना बल कैसे मान लिया? कैसे मान लिया कि उनमें भावनाएं नहीं होती या उनकी आहें नहीं निकलती? डाइनिंग टेबल पर हड्डियां नोचते बाप बच्चों को सीख देते हैं, बेटा कभी किसी का दिल नहीं दुखाना, किसी की आहें मत लेना, किसी की आंख में तुम्हारी वजह से आंसू नहीं आना चाहिए। बच्चों में झूठे संस्कार डालते बाप को अपने हाथ में वो हड्डी दिखाई नहीं देती जिससे पहले एक शरीर थी, जिसके अंदर इससे पहले एक आत्मा थी, उसकी भी एक माँ थी जिसे काटा गया होगा, जो कराहा होगा, जो तड़पा होगा, जिसकी आहें निकली होंगी, जिसने बद्दुआ भी दी होगी। कैसे मान लिया कि जब जब धरती पर अत्याचार बढ़ेंगे तो भगवान सिर्फ तुम इंसानों की रक्षा के लिए अवतार लेंगे? क्या मूक जानवर उस परम पिता परमेश्वर की संतान नहीं है? क्या उस ईश्वर को उनकी रक्षा की चिंता नहीं है? धर्म की आड़ में उस परम पिता के नाम पर अपने स्वाद के लिए कभी ईद पर बकरे काटते हो, कभी दुर्गा माया भैरव बाबा के सामने बकरे की बलि चढ़ाते हो, और कहीं तुम अपने स्वाद के लिए मछली का भोग लगाते हो। कभी सोचा क्या ईश्वर का स्वाद होता है? क्या है उनका भोजन? किसे ठग रहे हो? भगवान को, अल्लाह को, जीसस को या खुद को? लोग कहते हैं कि मांस शरीर को तंदुरुस्त बनाता है। अगर ऐसा ही है तो अस्पतालों में मरीजों को 10 प्रकार के मांस क्यों नहीं परोसे जाते? क्यों चिकित्सक दिल के मरीजों को यह हिदायत देते हैं कि वो मांस कभी ना खाएं? क्यों दुनिया भर के जाने पहचाने लोग जब किसी रोग से ग्रस्त होते हैं तो वो शाकाहारी बन जाते हैं? और आप सोच कर देखिए, आपका चित्त किसी स्लॉटर हाउस में शांत रह सकता है जहां हर तरफ मारे हुए जानवरों की बू आती हो, फर्श और दीवारें खून से सनी हो? ऐसी जगहों से उपजा खाना किस प्रकार आपका भला कर सकता है? जिस जानवर का पालन पोषण ही उसे मारने के लिए किया जा रहा हो, वो आपको स्वाद कैसे दे सकता है? मंगलवार को नॉनवेज नहीं खाता, आज शनिवार है इसलिए नहीं, अभी रोजे चल रहे हैं ना, नवरात्रि में तो सवाल ही नहीं उठता। झूठ पर झूठ और झूठ पर झूठ। भूख है आदम जात की सब कुछ निगल लेने की। शायद एक दिन ये खुद मनुष्य भक्षी होने पर पूर्ण होगी।